तो आज हम शुरू कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट। हमारा जो एक्चुअल हमारा कोर्स स्टार्ट है वो जावास्क्रिप्ट से। अभी तक जो हमने ये पीछे वाली चीज़ें पढ़ी ना, ये तमहीदी समझ लें पढ़ाई हमने की है। जो HTML CSS हमने पढ़ा है, साथ में थोड़ा सा फ्लैक्स बॉक्स पढ़ा है, ये मैंने आपको वैसा ही पढ़ा दिया है। असल में ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है सही मानों में देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन एक एक क्लास में क्या मैं समझता हूँ कि ज़रूरी था, तो इसलिए एक क्लास में HTML, एक क्लास में CSS और एक क्लास में फ्लैक्स बॉक्स। तो ये तीन क्लासेस आपकी जो हुई हैं ये असल में तमहीद थी। इसके लिए मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, कहता हूँ जी 3 डॉट जावा स्क्रिप्ट हेलो वर्ल्ड। अच्छा जी, जावा स्क्रिप्ट जो चलती है वो HTML के साथ चलती है, सही है। बगैर HTML के जावा स्क्रिप्ट नहीं चलती। मैंने index.html का यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई, ठीक है, फेमिलियर है बिल्कुल। अभी तक जो काम हो रहा है आप पहले कई दफ़ा कर चुके हैं। एक बेसिक कोड इसमें लिख लिया जावा HTML का, और ये बेसिक कोड लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, बॉडी में एक हेडिंग लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार जावा स्क्रिप्ट ES6 हेलो वर्ल्ड। अच्छा, ये ES6 क्या चीज़ है? जावा स्क्रिप्ट का जो नया वाला वर्जन है दैट इज़ कॉल्ड ES6, स्टैंड फॉर एक्मा स्क्रिप्ट 6, ठीक है। एक्मा स्क्रिप्ट पूरा नाम है, शॉर्ट में इसको ES6 बोलते हैं। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सबसे पहले तो। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे ये जानते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस चीज़ को कहते हैं? कितने लोगों को ये बात पता है? कोई आप में से ज़रा बताए, अपना ओपिनियन दे। व्हाट डज इट मीन बाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जो कंप्यूटर समझ सके। और लोग बताएं। कोड ऐसे लिखे और फिर वो कंप्यूटर को दे तो वो उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर, वो कुछ मतलब बाइनरी में भी हम दे सकते हैं और हमारे लेवल का ह्यूमन लेवल जो लैंग्वेज है उसमें भी दे सकते हैं, फिर कंप्यूटर्स को एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट मिलेगा। कंप्यूटर तो समझते ही बाइनरी लैंग्वेज है, कंप्यूटर समझते ही बाइनरी लैंग्वेज है, 0 और 1। समझता बाइनरी लैंग्वेज है। अच्छा, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज़ है? बाइनरी है। अच्छा देखो, ये जो सवाल है ना, ये ब्रेन स्ट्रोमिंग का सवाल है, इसमें कोई सही गलत नहीं है। आप जो भी ओपिनियन है आपका वो आप देंगे, सही जवाब तो फिर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक है। तो ये ब्रेन स्ट्रोमिंग कहते हैं उसको, तो ये इसमें कोई सही गलत नहीं है, तो बिल्कुल शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो लगता है वो आप बता दें। अच्छा, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो लैंग्वेज होती है ऑब्वियसली, जैसे नाम में लिखा हुआ लैंग्वेज है। जैसे उर्दू एक लैंग्वेज है, जैसे पश्तो एक लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसी तरह प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है वो भी एक ज़ुबान होती है। अच्छा, और ये कौन सी ज़ुबान होती है? जिस ज़ुबान में हम कंप्यूटर को अपनी बात समझाते हैं। कंप्यूटर से अगर कोई काम करवाना है, मिसाल के तौर पे जैसे कि मेरे सामने पानी रखा हुआ है, अब मैंने अगर पानी मंगवाना है तो मेरे साथ जो भी कोई दोस्त बैठे हुए हैं, अगर मैं खुद नहीं ले सकता, मैं उनसे मंगवाना चाहता हूँ, तो मैं उनसे कैसे बोलूँगा? मैं बोलूँगा यार मुझे पानी ला कर दें। तो उसको ये बात समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, और वो उस पर अमल कर लेगा, ठीक है। या तो वो मुझे पानी ला कर दे देगा, या तो हो सकता है वो मना भी कर दे, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज। तो उसको हालांकि मेरी बात मतलब ये बोलने से मेरी बात समझ आ गई उसको, लेकिन कंप्यूटर जो है वो उर्दू या पश्तो या इंग्लिश नहीं समझता है। कंप्यूटर को समझाने के लिए कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। और जैसे हम कह रहे हैं ना वर्ड प्रोग्राम, तो प्रोग्राम करने का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को हम इंस्ट्रक्शन कोई दे दें, या कोई ऐसी बात समझा दें। मिसाल के तौर पे जैसे एक जैसे शादी का प्रोग्राम होता है, राइट, उसमें क्या होता है, वो एक फिक्स एक प्लान है ना कि जी इस तरह से होगा, ठीक है। या कोई बर्थडे का जो प्रोग्राम होता है वो एक फ़िक्स एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जी इस तरह से ये चीज़ होती है। तो जी मे बी बर्थडे में क्या होता होगा कि जी पहले सब लोग वेन्यू पे पहुंचते हैं, वहाँ पे एक केक मौजूद होता है और वो थीम वीम भी बनाए होते हैं। क्या थीम बनाते हैं? अच्छा, स्पाइडर मैन और बारबी के थीम में बनाते हैं वो, सही है। यानी गुब्बारे वगैरह जो होंगे उस पर स्पाइडर मैन बना होगा सब पे। अच्छा, सही है, ज़बरदस्त। और उसके बाद वो केक कटिंग सेरेमनी करते हैं,
उसके बाद एक दूसरे के मुंह पे केक मलते हैं। आजकल ये चेंज हो गया प्रोग्राम, आजकल पहले नहीं होता था इस तरह। तो आजकल वो एक ज़रा सस्ते वाला केक लेते हैं ना, वो 200-300 वाला, जो बड़ा सा हो और बिल्कुल सस्ता हो, तो वो स्पेशल मुंह पे मलने के लिए 200-300 वाला एक केक लेते हैं, और एक लेते हैं 1500 वाला केक जो खाने के लिए लेते हैं। तो ये वाले मामला हो रहे हैं। फिर उसके ऊपर अगर तो कोई लड़का है मेरी उम्र का, कोई मेरी उम्र का तो नहीं, खैर मेरी उम्र के लोग मेच्योर हो जो चुके होते हैं आमतौर पर, जो बच्चे होते हैं ना जो 15 साल वाले, तो वो एक दूसरे को वो क्या वो फॉर्म लगाते हैं एक दूसरे के मुंह पे, फॉर्म लगाते हैं, पता नहीं वो मट्टी वट्टी भी ले आते हैं, गोबर पता नहीं क्या क्या मुंह पे मलते हैं एक दूसरे के। बेचारे की बर्थडे होती है, एक दफ़ा हम किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, ढाबे पे बैठे हुए थे किसी रेस्टोरेंट, चाय का जो होता है यहाँ पे, तो हमारे पास उस तरह का मैंने नहीं देखा, लेकिन कराची में क्या होता है कि वो एक बड़ा सा प्लॉट ना लेके, वो खाली होता है, मैदान होता है, वो गेट वाला होता है, लेकिन तो वो गेट के अंदर उसको ज़रा क्रश बिछा के नीचे उसके ऊपर चेयर्स लगा देते हैं, और ज़रा वो ओपन स्पेस में वो चाय बिस्किट का सीन होता है। वहाँ पे बैठे हुए थे तो वहाँ किसी बेचारे की बर्थडे हुई, उस बेचारे को उसने ऐसा कर दिया ना कि हमें अफसोस आने लग गया कि यार ये क्यों कर रहे हैं इसके साथ। बल लेकिन लड़कों का हाथ पैर का मजाक है, लड़कों का मजाक चल रहा है, अच्छा वो भी बुरा नहीं मान रहा, उसके साथ भी पता नहीं कपड़े पे उसके इंक विंक भी फेंक रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। वेल तो वो एक फिक्स प्रोग्राम होता है भाई बर्थडे का प्रोग्राम, कि जी केक कटिंग सेरेमनी होगी, मुंह पे केक मिलेंगे और केक खा के फिर सब घर चले जाएंगे अपने, और गिफ्ट भी होता है कुछ। लड़कों में तो गिफ्ट विफ्ट का कोई वो नहीं है, लड़के बस केक मलते हैं और घर चले जाते हैं, लड़कियों में शायद ये कि वो गिफ्ट भी लेके जाते हैं, ठीक है, लड़के बोलते हैं कि हम तेरे दोस्त हैं, यही सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारा। लेकिन लड़कों में ये होता है कि कहीं कोई फंस जाए तो फ़ोन करे फ़ौरन आ भी जाते हैं, ये भी एक गिफ्ट है उनका। बाकी उनसे बर्थडे पे गिफ्ट मांग लो तो कोई जो है ना वो इस चीज़ का कोई वो नहीं है, रिवाज नहीं है लड़कों में। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हम करते हैं ना, वो हम इसी तरह का एक प्रोग्राम, अगर मुझे कंप्यूटर को समझाना है, ठीक है, तो वो मुझे जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके लिए। अच्छा मिसाल के तौर पे कंप्यूटर को जो मैं प्रोग्राम समझाता हूँ वो किस तरह का प्रोग्राम हो सकता है, मिसाल के तौर पे आपके पास एक कैलकुलेटर जो होता है, सब लोगों के पास होता है, तो वो कैलकुलेटर जो है वो दैट इज़ एक्चुअली अ कंप्यूटर, ठीक है, छोटे स्केल का कंप्यूटर है, उसके अंदर ना एक प्रोग्राम फीड हुआ हुआ है, किसी ने लिखा है वो प्रोग्राम, किसी ने लिख के उसमें फीड किया हुआ है। अच्छा उस प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ है कि जी वो बटन है, बटन दबाने से 1 लिखा हुआ आता है स्क्रीन पर, फिर प्लस का बटन दबाने से वो प्लस पे चला जाता है, फिर 1 लिख के मैंने प्लस दबाया, उसके बाद मैंने लिखा 2, और फिर दोबारा प्लस दबाता हूँ तो वो प्लस होके स्क्रीन पर दिखता है। तो दिस इज़ अ प्रोग्राम, ये हमेशा इसी तरह होता है, आप नोट करें ये हमेशा इसी तरह होता है। वो कंप्यूटर को कैसे ये बात पता लगी कि 1 दबाएंगे और प्लस दबाएंगे और फिर साथ में 2 जब दबाएंगे तो वो उसको प्लस करना है, तो ये दिस इज़ अ प्रोग्राम, जो किसी बंदे ने उसको इस चीज़ के लिए प्रोग्राम किया है, उसके अंदर ये फीड की है ये बात कि जी इस तरह से होता है। अदरवाइज कंप्यूटर इट्सेल्फ जो है वो इतना समझदार, कंप्यूटर के अंदर इट्सेल्फ समझदारी नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर का जो प्रोसेसर बना हुआ होता है वो किस चीज़ से बना हुआ होता है, वो बना हुआ होता है सिलिकॉन से, और सिलिकॉन क्या चीज़ होती है, मेटल नहीं होता, सिलिकॉन एलिमेंट होता है हाँ, लेकिन मेटल नहीं होता। सिलिकॉन दिखने में कैसा होता है, क्या चीज़ होती है सिलिकॉन, जो रेत होती है ना, रेत, बजरी, बजरी देखी है ना आप लोगों ने, तो रेत जो होती है मे बी अगर आपको मैं दिखा पाऊँ यहाँ पे, अब कराची में तो ये रेत ना कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल, यानी जो घर बनते हैं ना वो रेत उसमें इस्तेमाल होती है, यहाँ पे आई थिंक वो ईंटें क्योंकि इस्तेमाल करते हैं तो शायद रेत का यूज़ नहीं करते होंगे वो, क्या बोलेंगे इसको, सैंड के, इसके अंदर आपने देखा होगा वो ज़रा गोल गोल ना मोती जैसे भी होते हैं कुछ सैंड ना, साइजेस लिख देता हूँ मैं, तो शायद साइजेस में मुझे ये दिख जाए, ये जो सैंड है ना, एक तो ये बिल्कुल बारीक है, ये थोड़ी मोटी है, ये थोड़ी और मोटी है, और ये बिल्कुल मोटी है, तो इसके अंदर आप देखें ज़रा क्रिस्टल क्रिस्टल टाइप की एक चीज़ दिख रही है आपको, ये है, दिस इज़ कॉल्ड सलीका, सलीका सैंड, ये सैंड की एक किस्म होती है, दैट इज़ कॉल्ड सलीका,
ये ज़रा चीनी की तरह होता है देखने में, और ये एक एक बजरी की एक किस्म होती है, ठीक है, ये अगर आप देख पाएँ, ये ट्रांसपेरेंट सी चीज़ है। तो ये सलीका सैंड है, और इसी से इसी को प्रोसेस करके सिलिकॉन बनाते हैं, और तमाम प्रोसेसर, सीपीयू, जीपीयू सारे वो इसी से बनते हैं। सही है, उसके अंदर यही मट्टी होती है जो अंदर सारा कुछ कर रही होती है, ठीक है। तो प्रोसेसर इटसेल्फ इज जस्ट अ पत्थर, जस्ट अ स्टोन, वो कहते हैं ना स्टोन एज। हाँ, हम बोलते नहीं, हम तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए हैं, वो असल में सब स्टोन ही है अंदर। दिस कंप्यूटर इज एक्चुअली अ स्टोन, नथिंग एल्स। तो इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो सिलिकॉन से बना हुआ है, सलीका सैंड को प्रोसेस करके, और इवन हम जो शीशा है जिसमें हम शक्ल देखते हैं वो भी क्या होता है, वो भी इसी सलीका सैंड से बनता है, ठीक है। मतलब सैंड की और भी किस्में होती हैं जिससे शीशा वगैरह बनता है, तो वो रेत को ही क्या करते हैं, पिघलाते हैं जब, तो वो शीशा बन जाता है। जो सन ग्लासेस होती हैं, जो ये नज़रों वाली ग्लासेस जो आपने लगाई हुई हैं, तो इसके अंदर जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है ये एक्चुअली रेत को पिघला के बनाया जाता है। तो ये एवरीथिंग इज़ एक्चुअली सैंड, हम वी आर स्टिल लिविंग इन स्टोन एज, लेकिन हम ज़रा सैंड को और स्टोन को प्रोसेस करना सीख गए, तो उससे हम क्या करते हैं, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब उसको बात बताते हैं उस पत्थर को, तो वो पत्थर हमारे इशारे पे वो डांस करता है जैसे हम चाहते हैं वैसे करता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप सीखने जा रहे हैं, आप एक ऐसी ज़ुबान सीखने जा रहे हैं इस कोर्स में, इस पॉइंट पे, कि जो आप क्या बोलेंगे उस ज़ुबान में, जब आप एक पत्थर से बात करेंगे ना, तो पत्थर आपको जवाब देगा, आपके इशारे पे वो नाचेगा, राइट। तो इससे ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ मेरा ख्याल है कि मेरी लाइफ में कोई और चीज़ इससे ज़्यादा फैसिनेटिंग नहीं हुई है मेरे लिए, ठीक है। तो आर यू एक्साइटेड विद दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये तो हमने ये समझ लिया कि यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज़ होती है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं स्क्रिप्ट, ठीक है। जैसे CSS के लिए हम स्टाइल का टैग लगाते थे, लेकिन वो हम कहाँ लगाते थे, वो हेड में लगाते थे। स्क्रिप्ट का जो टैग है वो मैंने लगाना है बॉडी के लास्ट में, ठीक है, बॉडी में नहीं, बॉडी के लास्ट में, बॉडी के ऊपर जो भी चीज़ होगी वो ऊपर रहेगी, बॉडी जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ पे इसको लगाते हैं। अच्छा, इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर अब मैं ये हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे प्रिंट करवाने जा रहा हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्सोल डॉट लॉग, ठीक है, छोटी ब्रैकेट ओपन क्लोज साथ में, और इसके दरमियान में डबल कोटेशन के अंदर मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए अपनी स्क्रीन पे क्या बात लिखी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कि यार स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दो, यहाँ पे मैं कुछ और भी लिखूँगा वो भी प्रिंट हो जाएगा। तो अब इसको चला कर देखते हैं, चलाने के लिए बड़ा आसान है, राइट क्लिक किया, कॉपी पाथ किया, और यहाँ पर आए और उसको पेस्ट करके चला दिया। स्क्रीन पे HTML लिखी हुई आ गई है, वो हेलो वर्ल्ड कहीं नज़र नहीं आ रहा, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट में गए और कॉन्सोल में गए, यहाँ पे वो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आ गया, ठीक है। तो ये हेलो वर्ल्ड इस पॉइंट पे हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा, लेकिन एक बात और बताता चलूँ कि दिस तरीका, दिस मेथड इज़ नॉट रिकमेंडेड। जैसे CSS में हम क्या करते थे, एक अलग से फाइल बनाते थे, इसी तरह यहाँ पर भी जो रिकमेंडेड तरीका है दैट इज़ कि आप स्क्रिप्ट की एक फ़ाइल बनाएं, स्क्रिप्ट डॉट MJS, सही है। अच्छा, क्योंकि हम बिल्कुल नई वाली JavaScript पढ़ने जा रहे हैं, जो पुरानी JavaScript होती थी उसमें फ़ाइल का नाम होता था .js, अभी जो नई वाली JavaScript है इसके अंदर फाइल का नाम होता है .mjs होता है, ठीक है। MJS स्टैंड्स फॉर मॉड्यूल JS, तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, वही कॉन्सोल वाली लाइन अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे से मैं हटा दूँगा और यहाँ पे आके लिख दूँगा मैं MJS की फ़ाइल में, सही है, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम JavaScript, ठीक है, बल्कि JavaScript नहीं, ES6। ये जो JavaScript का जो ES6 है ना, ये इसका वर्जन है, ये इससे आज से कुछ टाइम पहले यानी 2-3 साल पहले तक ES5 इसका वर्जन था, यानी इसका वर्जन 5 जो है वो लेटेस्ट था, अभी जो इसका वर्जन है लेटेस्ट वो है 6, ES6, आगे भी आता रहेगा। यस, जैसे CSS जो हमने पढ़ी है, CSS का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 3 है, हमने CSS3 पढ़ी है, इसी तरह HTML जो हमने पढ़ा है वो HTML5 है, HTML का वर्जन 5 है, ठीक है, ECMAScript का वर्जन है 6, ठीक है, हर चीज़ का वर्जन आता रहता है। जैसे हम एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं
तो उसमें पहले एंड्रॉयड 8 होता था, फिर 9 आ गया, 10 आ गया, फिर आजकल 11 शायद चल रहा है नया अभी, लेटेस्ट कौन सा है, 11 है या 10 है? अच्छा, इसी तरीके से आईफोन में जो iOS 17 अभी चल रहा है लेटेस्ट, ठीक है, इससे पहले 14 15 था चलता था, अभी 17 चल रहा है। अच्छा, अभी ये लैपटॉप में भी ये अपडेट आई है, ये देखें आप, ये पूरा चेंज कर दिया इन्होंने, ये स्क्रीन पे पहले नहीं आता था, ये अपडेट आ गई है। अच्छा, कौन सा वर्जन है ये, देख देख लेते हैं इसको, ये वर्जन है 14, 14 है, उसका नाम है सोनोमा, जैसे विंडोज़ 10 होता है इस तरह, इसमें मैक ओएस 14 है ये, ठीक है, तो इसमें इन्होंने सारा चेंज किया भाई। अच्छा, तो वर्जन हर चीज़ में आते रहते हैं ज़ाहिर है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि रोज़ आ जाए, एक सर्टेन टाइम के बाद आता है वर्जन चेंज। और जब वर्जन चेंज होता है, जैसे मिसाल के तौर पे एंड्रॉयड फ़ोन में, अगर एंड्रॉयड आपका 8 पे था और वो 9 या 10 पे चला गया, ठीक है, या मिसाल के तौर पे ये मेरे पास पहले ज़ाहिर है 13 पे होगा, अभी 14 पे हुआ है, तो इसमें यही चीज़ें चेंज हुई हैं, ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं मतलब मुझे दोबारा पूरा सीखना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होता ना। एंड्रॉयड फ़ोन जो है वो आपको दोबारा से तो नहीं सीखना पड़ता, जो पहले से चीज़ मौजूद होती है उसी में वो बेहतरी लेकर आते हैं। तो इसी तरह अगर ES6 के बाद अगर ES7 आ जाता है कल को, तो ऐसा नहीं होगा कि ये आपको पूरा फ्रॉम स्क्रैच दोबारा सीखना पड़ेगा, कुछ चीज़ें चेंज करते हैं और कुछ चीज़ों को इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है, तो वही चीज़ें आपको जस्ट देखनी होती हैं, उसके अलावा नहीं। मिसाल के तौर पर अभी इसमें इन्होंने क्या किया है कि जी यहाँ पर अगर मैंने कोई सेटिंग वगैरह खोली हुई है, ठीक है, और मुझे साइड से ये हल्का सा नज़र आ रहा है डेस्कटॉप, तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा तो सब चीज़ें साइड हो जाएंगी, और मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो वापस आ जाएगी, ये एक इन्होंने चीज़ ऐड की। तो ये मुझे कोई अब पूरा कोर्स थोड़ी करना पड़ेगा इसको सीखने के लिए, मुझे पता लग गया कि अच्छा इस तरह होता है, हो गया, डैट्स इट। तो ES7 में अगर कोई नई चीज़ आएगी तो वो हम उतना सा पार्ट सीख लेंगे, दैट्स इट। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, हाँ, ऐसा तो है कि अगर आपका असल में सवाल ये है कि अगर कोई वेबसाइट ऐसी बनी हुई है जो पुराना वर्जन पे बनी हुई है, अब वर्जन हो गया चेंज, तो क्या वो वेबसाइट चलती रहेगी? इसका जवाब है हाँ, चलती रहेगी वो, ठीक है, क्योंकि जब नया वर्जन आता है तो उसमें बैकवर्ड कॉम्पैटिबिलिटी का उसमें ख्याल रखा जाता है। बैकवर्ड कॉम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि जी अगर आज से देखें, एक सॉफ्टवेयर जो बनता है ना, उसका जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है वो 20 साल होता है, ठीक है, और जो मिलिट्री ग्रेड का जो सॉफ्टवेयर बनता है उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 80 से लेकर 100 साल के दरमियान होता है, कि जी वो एक दफ़ा बनाया अब वो अगले 80 साल तक उसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे जो इस वक्त न्यूक्लियर वेपन जो लॉन्च करने का सिस्टम है अमेरिका का, वो फोरट्रान एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करती थी, उस पर बना हुआ है, तो अब वो चेंज नहीं हुआ अभी तक, और फोरट्रान जो है वो शायद 80s में आई थी लैंग्वेज, तो अब आज 40 साल हो गए उस सिस्टम को बने हुए, तो उसी को चला रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मिलिट्री ग्रेड का जो सॉफ्टवेयर बनता है उसके अंदर टेस्टिंग बहुत ही एक्सटेंसिव किस्म की होती है, कि जी कोई बिल्कुल फेल प्रूफ हो गया, जैसे कैलकुलेटर के अंदर ना, जो आपका कैलकुलेटर है वो इतना सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर नहीं है, वो आप जाके यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करेंगे ना कि जो कैलकुलेटर का जो सॉफ्टवेयर है उसमें बग्स क्या हैं, तो उसमें बग्स आपको पता लग जाएंगे क्या है, वो कुछ सर्टेन नंबर लिखो ना उसको प्लस करो तो वो नहीं करता, वो एरर दे देता है, ठीक है, एक तो डिवाइड बाई जीरो पे एरर देता है, वो कुछ और भी चीज़ों पे एरर देता है जिसमें उसको नहीं देना चाहिए, तो उसमें बग्स होते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। तो जो मिलिट्री ग्रेड का सॉफ्टवेयर है, और ख़ास तौर पे ऐसा सॉफ्टवेयर जो न्यूक्लियर मिसाइल को वो लॉन्च कर रहा है, उसके अगर मेल फंक्शन की वजह से गलती से मिसाइल लॉन्च हो जाए तो पूरा पूरा शहर उससे तबाह हो सकता है, ठीक है ना। अभी वो आपने देखा ना, इसराइल के ऊपर हमला हो गया, हाँ, फ़लस्तीनियों ने कर दिया हमला, तो आप देखें उन्होंने मिसाइल फायर किए, वो सारा तहस नहस हो गया उधर, आधे से ज़्यादा इसराइल पूरा उन्होंने जला के रख दिया है मिसाइल से। तो अगर गलती से कुछ हो जाए इस तरह का, कि जैसे अमेरिका पे किसी का गलती से मिसाइल लॉन्च हो गया, तो अमेरिका फिर टॉलरेट तो करेगा ना, अभी इसराइल भी टॉलरेट तो करेगा, पलट के कुछ ना कुछ तो बोलेगा, अब देखते हैं वो कितना रेडी है इसके लिए, उन्होंने फर्स्ट अटैक उन्होंने खुद किया है ना, तो अब देखते हैं कितना रेडी है, अल्लाह करे रेडी हों, वरना फिर वो लड़ते ही रहेंगे, फिर अगर जंग अगर बराबर की हो जाए ना तो फिर बड़ा मसला हो जाता है, फिर वो बड़ी लंबी चलती है। जंग में होना ये चाहिए कि एक बंदा फुल रेडी हो और दूसरे को कुछ भी पता ना हो, तो फिर जंग फौरन ख़त्म हो जाती है। वेल, नुकसान दोनों सूरतों में होता है, दोनों साइडों से। अच्छा, तो अब मैंने अलग फाइल बना ली है ना, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको अटैच करना पड़ेगा। अटैच कैसे करूँगा मैं ये? अच्छा, ऊपर वाला ना मैंने ये कॉमेंट कर दिया है, कॉमेंट पता है ना सब लोगों को,
कमेंट, अच्छा कमेंट ये होता है कि कुछ कोड को मैं वक्ती तौर पे रोकना चाहता हूँ ना, तो मैं कमेंट कर देता हूँ। इसका शॉर्टकट क्या है? Ctrl+Forward/Ctrl+Forward/ इसी से लगता है इसी। तो इसको मैंने कमेंट बल के इसको हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा स्क्रिप्ट का टैग मैं दोबारा लगाऊंगा और स्क्रिप्ट के टैग में मैं यहाँ पे src लिखूंगा, एंटर करूँगा और ./ लिखूँगा और script.ngs। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको अटैच कर दिया इस फाइल के साथ। अब क्या होगा कि जब भी ये HTML की फाइल चलेगी तो साथ साथ इसको पता लग जाएगा कि कौन सी स्क्रिप्ट को चलाना है। अच्छा देखते हैं जी चला के, रिफ्रेश करता हूँ मैं तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड फ्रॉम ES6 ऐसे लिखा हुआ आ गया। ठीक है, क्लियर करता हूँ मैं इसको, दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो दोबारा लिखा हुआ आ गया। ठीक, ये हमारा इस पॉइंट पे क्या हो गया, जावा स्क्रिप्ट का जो हेलो वर्ल्ड है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? अच्छा दोबारा ये आप अभी करेंगे आप? ठीक है, अगर तो आपका कोई सवाल नहीं है तो ये आपने अभी करना है। अच्छा ये आप किस तरह से करेंगे, आप इस कोड को देख के करेंगे। अच्छा ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्लास का कोड ये पुश कर दिया github.com पे, सही है। अच्छा ये कौन सी रिपोजिटरी में पुश हो रहा है, ये उसी में हो रहा है जिसमें आपका इनिशियल कोड था। भाई बड़ा स्लो चल रहा है यार, ये रहा सेक्शन बी। अच्छा ये आ गया जावास्क्रिप्ट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों फाइलें मौजूद हैं यहाँ पे। अच्छा तो ये कोड आपके पास क्या हो गया, ये कोड आपके पास github.com पे जो रिपोजिटरी आपकी बनी हुई है उसमें ये पुश हो गया। अच्छा कौन सी, वो मैंने पुश कर दिया ना, अभी भी पुश किया मैंने आपके सामने। ठीक है, लेकिन वो मैंने कमांड ज़रा शॉर्टकट से किया है, मैंने शॉर्टकट सेट किया है। वेल अभी आप वो शॉर्टकट छोड़ दें, अभी आप कमांड से किया करें क्योंकि शॉर्टकट के चक्कर में आप पता चले वो कमांड ही भूल जाएं तो आप देखें आपको पुश करने में कितनी प्रॉब्लम होती है, मैंने ऐसे किया आपको पता भी नहीं लगा। yes, है ना, तो आप जब इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक पॉइंट पे आपको वो सब पता लग जाएगा क्या हो रहा है। अच्छा तो अभी क्या हो गया, अभी मैंने आपको ये हेलो वर्ल्ड बनवा दिया। देखो इसमें दो फाइल बनी हुई है, एक HTML की फाइल बनी हुई है, इसमें क्या कोड लिखा हुआ है वो आपके सामने है, github.com पे मिल भी गया। दूसरा script.mjs की फाइल बनी हुई है, इसमें क्या कोड लिखा हुआ है ये भी आपके सामने है, ये सब लोगों को पता लग गया। अच्छा अब इसमें बताओ क्या चीज़ समझ नहीं आई, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसको समझ नहीं आया कि सर ये इसका MJS क्यों नाम आ गया या इसका ये कैसे नाम आ गया, इस तरह की कोई बात? अच्छा MJS से इसका, जैसे HTML में देखो जब .html लगता है ना तो आपके कंप्यूटर को पता लगता है कि HTML की फाइल है। MJS से आपके कंप्यूटर को पता लगता है कि ये फाइल जो है वो JavaScript की है। देखिए इसके अंदर JS खुद ही समझ गया है कंप्यूटर। ठीक है, अगर मैं इसमें MJS नहीं लगाता, मैं इसमें MP3 लगा देता अगर, तो ये देखें क्या समझ रहा है इसको कि ये ऑडियो फाइल है, तो इसलिए मुझे इसके अंदर MJS लगाना पड़ेगा। सही है, तो ये HTML की फाइल है, बिल्कुल फेमिलियर है आप इस फाइल से, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने पहले ना की हो। एंड दिस स्क्रिप्ट, ये वाला जो है जो स्क्रिप्ट की जो फाइल है जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है उसको जो अटैच किया मैंने, इसको अपने बॉडी के लास्ट में करना है। ठीक है, अच्छा बावजूद इसके कि ये वाला तरीका जो है रेकमेंडेड है, लेकिन क्लास में मैं कौन सा तरीका करूँगा, क्लास में मैं यहीं पे स्क्रिप्ट बना के यहीं पे कोड लिखा करूँगा। ठीक है, यहीं पे स्क्रिप्ट बना के यहीं कोड लिखा करूँगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि पढ़ाते वक्त अगर मैं दो फाइलों में बैक एंड फोर्थ जाना पड़ता है ना अगर मुझे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो ठीक तरह से मैं उसको समझा नहीं पाता फिर। ठीक है, बैक एंड फोर्थ दो फाइलें, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक ही फाइल में करूँ। तो जैसे कि CSS में मैं करता था एक ही फाइल में लिखता था, इसी तरह मैं JavaScript में भी मैं एक ही फाइल में लिखूँगा कोर्स में, लेकिन दैट तरीका इज़ नॉट रेकमेंडेड। रेकमेंडेड तरीका जो है वो ये वाला है। तो अभी आप सब लोग क्या करेंगे, इस रेकमेंडेड तरीके से हेलो वर्ल्ड JavaScript अभी आप सब लोग बनाएंगे, और बनाने के बाद उसको आप रन करेंगे इस तरह से, और रन करने के बाद आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे, और यहाँ कॉन्सोल में जाके ये प्रिंट आपके पास हेलो वर्ल्ड यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो इतना काम आप कर लें। अभी बज रहे हैं 2:50 हो रहे हैं, आपके पास 20 मिनट का टाइम है, यानी 3:10 पे मैं आपका ये असाइनमेंट चेक करूँगा। ठीक है, कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे हाथ खड़ा करके अपने पास बुला सकते हैं। हाँ, हर असाइनमेंट के लिए एक नई रिपॉजिटरी। हाँ, जावास्क्रिप्ट हेलो वर्ल्ड कर देना हम उसको।